राजस्थान के बारा शहर के मांगरौल रोड बाईपास पर वार्ड 57 के वासिंदों ने जलभराव की समस्या को लेकर जाम लगा दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वार्ड पार्षद अब्दुल अजीज ने बताया कि पास ही में बच्चों का स्कूल है, कॉलोनी के अंदर पानी की निकासी नहीं है, बस्ती में गंदा पानी भर जाता है जिससे आए दिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। वार्ड पार्षद ने बताया कि पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को आवागमन के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है। मोहल्लों में गंदा पानी जमा, जिससे मच्छरों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण लोग मलेरिया, डायरिया जैसे विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं। एएसआई ब्रजेश चौधरी ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों से वार्ता हुई है। दोपहर में अधिकारी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, तब जाम को हटा दिया गया। मामला कॉलोनी के अंदर जो है पूरा ये नाले का जो है निकासी नहीं है, पानी पूरा जो है अंदर भरा रहता है, जिसकी वजह से स्कूल भी है पास में, स्कूल तक में बच्चों को जाने में परेशानी आती है। दूसरा बस्ती में भी अंदर इतना गंदा पानी भर जाता है कि लोग मस्जिद के अंदर भी जाने के लिए गंदे कीचड़ के लिए पानी लेकर के जाते हैं। इसकी निकासी अगर सही से हो जाए तो यही समस्या है कि निकासी सही से हो जाए, पानी बस्ती का निकल जाए, उस गंदे पानी से लोगों को निजात मिल जाए, इसी वजह से जो है यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 57 है और यहाँ समस्या सबसे बड़ी पानी की है, जो भरा हुआ होता है जिसमें तलाई भी है उसका भी पानी जो है उसी में भरा रहता है, उससे मच्छर गंदगी बीमारी। लोग इंसानों की तरह रहना चाहते हैं लेकिन अब नगर परिषद की वजह से जानवरों की तरह रह रहे हैं। नगर परिषद सुनवाई नहीं करती क्या? नगर परिषद इसका बिल्कुल भी समाधान नहीं कर रही। अभी जब कोई PWD का मामला हो तो PWD से के कराए, नगर परिषद का मामला हो तो नगर परिषद से के कराए, पर इसका समस्या का समाधान होना चाहिए, ये लोगों की मांग है। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज, वार्ड पार्षद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।